राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग के 20, 21, 22, 23 और 24वें श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुपूर्वक भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।